हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मला एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स की, मतलब आंकिक प्रश्न की बात की थी, किस पर बेस्ड, जो हमारे किस पर आधारित थे, अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित थे, कूलाम के नियम पर आधारित थे, क्वांटमी आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों के योज्यता पर आधारित थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज आवेशों के वितरण के बारे में। ठीक है, आवेशों का सतत वितरण, जल्दी से आप हेडिंग डालेंगे आवेशों का सतत वितरण, का सतत वितरण। या आप इंग्लिश में अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये सतत से आपको कुछ याद आना चाहिए बच्चों, सतत से आपको कुछ याद आना चाहिए। याद कीजिए, सोचिए बच्चों, सतत हमने, हाँ जी हाँ, किसी एक के दिमाग में आया शायद, किसी ना किसी के दिमाग में जरूर आया होगा ये सतत। ठीक है, प्रश्न घूमना चाहिए कि हमने जब हमने आवेशों को क्वांटमीकरण पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी कि जो हमारा आवेश होता है वो सतत नहीं होता है, वो असतत होता है, विविक्त पैकेटों के रूप में हमें आवेश मिलता है। ठीक है, मतलब ये पढ़ा था कुछ, आवेशों का एक गुणधर्म पढ़ते थे, आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, वहां हमने बात की थी कि जो आवेश होता है वो सतत रूप में नहीं मिलता है, वो कैसे मिलता है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में असतत रूप में। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक, दो होगा तो दो, एन होंगे तो इतने, मतलब क्वांटाइज होता है, क्वांटमीकरण किया जाता है उसका। ठीक है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे बात कैसे करेंगे कि आवेशों का सतत वितरण हम कैसे कह सकते हैं, ये बुक्स में भी दिया है, क्यों दिया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूँ कुछ हमारी स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। एक होता हमारा माइक्रो, माइक्रो स्टेट, बताते हैं माइक्रो स्टेट क्या है, मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, इंग्लिश में ये होता है सूक्ष्म, नहीं सॉरी अति सूक्ष्म, ये थोड़ा मैक्रो थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा ये, मतलब बच्चों इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको फिर भी लिंक में नीचे से कमेंट में डाल दूंगी। ठीक है, माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा, मैक्रो होता है थोड़ा सा बड़ा, जिसमें हम औसत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो मैक्रो के बारे में बात कर ले एक बार थोड़ा सा। देखिएगा, जब हम ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते थे, तो वहां हम बात करते थे किसकी, किसी भी पूरा हमारा तंत्र होता है, निकाय है हमारे पास, उस तंत्र का हमने पढ़ा था दाब, पढ़ा था प्रेशर पी, पूरे तंत्र का। ठीक है, उसी तंत्र का हमने एक दाब पढ़ा था, दाब पढ़ा था पी, ताप पढ़ा था टी, उसका हम वॉल्यूम पढ़ते थे, मीन्स आयतन था हमारा वी। तो वो बात हम करते थे किसी पूरे औसत, हम एक पार्टिकुलर किसी एक कण को नहीं पकड़ते थे कि उस सिस्टम के अंदर जो भी हमने द्रव रखा है या गैस रखी है उसका पार्टिकल पकड़ के उसका प्रेशर देख रहे हैं, मीन्स दाब देख रहे हैं, ताप देख रहे हैं, वॉल्यूम नहीं, हम बात करते थे आप ऑल ओवर सिस्टम की बात करते थे, पूरे एक निकाय की बात करते थे। ठीक है, तो वो औसत था, तो वो होता है हमारे किस में आ जाता है बच्चों, मैक्रोस्टेट में आता है। अब हमने क्या करा, इसी सिस्टम में मान लेते हैं एक एक कण को पकड़ा और उस कण से मैंने उस कण का मैंने एक दाब देख दिया, उसमें कितना है स्मॉल पी, उसका ताप देख दिया टी, उसका आयतन भी देखा हमने वी। तो हम एक एक कण के बारे में जब हम जानकारी निकालते हैं तो वो बात आती है हमारे किस में, माइक्रोस्टेट, वो अति सूक्ष्म आ जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या कि जो हमारा ऊष्मागतिकी है वो कैसे, उसमें हम कैसे बात करते हैं, माइक्रोस्टेट लेवल पर बात करते हैं। ठीक है, और जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अणुओं का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हाँ गैसों का अणुगति सिद्धांत वाला चैप्टर था थर्मोडायनामिक के जस्ट बाद हमारा, कौन सा, ऊष्मागतिकी के अगले बार जो अगला चैप्टर था हमारा वो था अणुओं का, गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो वहां हम बात करते थे एक एक कण की, उस कण का दाब कितना है, उसका औसत दाब कितना है, उसका ताप कितना है, उसका आयतन कितना है। ठीक है, तो वो था हमारा किसमें, वो हमारा आता माइक्रोस्टेट में आता है, ऊष्मागत किया था हमारा माइक्रोस्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं असतत वितरण की, वो हम बात करेंगे माइक्रोस्टेट में। ठीक है, जो असतत वाला जो हमने बात की थी कल क्वांटमीकरण में बात की थी कि हमारा जो आवेश होता है वो असतत होता है, वो कहाँ पर देखा जाता है, हमेशा माइक्रोस्टेट में, कि पर्टिकुलर हमने एक अणु लिया, उस अणु के अंदर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैक्रोस्टेट की तो वहां पर हम सतत देखेंगे, मीन्स हम केवल एक एक पार्टिकल का
आवेश नहीं देखना हमने, एक एक छोटे 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 लेवल पर हमने बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है ऑल ओवर पूरे ऑब्जेक्ट पर। तो हम कैसा लेंगे आवेश, आवेशों का वितरण कैसा लेंगे, सतत वितरण लेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक हो गया। अब देखिएगा, सतत मतलब अगर हमारा कोई आवेश किसी वस्तु पर, आवेश जो है वो क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तो ऐसे वितरण को क्या बोलते हैं हम, आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। लिख लेंगे आप इसे, यदि कोई आवेश एक समान रूप से किसी वस्तु पर क्या है, वितरित है, तो ऐसे वितरण को हम क्या कहते हैं, आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आवेशों का जो वितरण है बच्चों, वो तीन तरह से होता है। तो पहले आप लिखेंगे रेखीय वितरण, आवेशों का रेखीय सतत वितरण, ठीक हो गया, रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण, ठीक। दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय, इसके अंदर भी मैं आपको बताती हूँ क्या है, आवेश वितरण। तीसरा आप लिखना आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, रेखीय आवेश वितरण। क्लास 11th में ही हमने बात की थी इसकी, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। ये गति क्यों छोड़िए, एक विमीय हमारा कोई आकृति हो, द्विविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। देखिए गति के बारे में पढ़ो या वस्तु के बारे में पढ़ो, बातें की है, हमारे पास एक पोल है, ये फील्ड है आपका पूरा, इस फील्ड पर दो पोल खड़े हैं हमारे, ठीक है, एक पोल है हमारे पास ये, एक पोल है हमारे पास ये। अब इस यहाँ पर हमने क्या करे, दो पोल में हमने रस्सी बांध दिया, तार बांध दिया, ठीक है, बिजली का तार है हमारा एक, ठीक है, दो पोल के बीच में लटका लगा होता है। अब हमने यहाँ पर एक चिड़िया को बैठा दिया, चिड़िया को बैठा दिया, चलो चींटी को बैठा देते हैं, ठीक है, चींटी बैठा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इस चींटी से कहा कि भाई चल, स्टार्ट होना चलेंगे, ठीक है। अब चींटी क्या करिए, हमारी गति करिए, ये बात समझ में आ रही है। अब बच्चों बताइए ये कहाँ कहाँ चलने के स्वतंत्र हैं, ये या तो ऐसे चल सकती हैं, इसकी गति आप इधर हो सकती है, या पोल के उस तरफ को ऐसे हो सकती है, किसी एक टाइम पे ये किसी एक तरफ को चल सकती है। अगर देखो, अगर या इस तरफ को चलेगी तो ये नीचे गिर जाएगी, फील हो रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर दो पोल लगे हैं, नीचे गिर जाएगी, तो इसके पास इसकी जो गति की जो हमारे क्या है निर्देशांक कितना है, केवल एक, एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी गति कैसी कही जाएगी, एक विमीय गति कही जाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो हमारा ये जो तार है, ये तार कैसा कैसा पदार्थ है हमारा, कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसी वस्तु है हमारी, एक विमीय वस्तु है जिसमें केवल लंबाई दी हो, लंबाई मीन्स एक निर्देशांक को एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं हम, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं एक विमीय वस्तु, ठीक है। द्विविमीय वस्तु की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक लंबाई तो होगी, साथ में चौड़ाई भी होगी, ठीक है, या एक्स निर्देशांक और एक वाई निर्देशांक, जहाँ पर दो होते हैं, दो निर्देशांक होते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति बोलते हैं, द्विविमीय द्विविमीय आकृतियाँ, द्विविमीय वस्तुएं, ठीक है। आप चींटी को रख दिया मैंने यहाँ पर, चलने के छोड़ दिया, तो वो देखिए इस तरफ को भी जा सकती है, इस तरफ को भी जा सकती है, यहाँ पर होगी तो उसका देखिए एक्स एक्सिस की तरफ कुछ चली, वाई एक्सिस की तरफ भी कुछ चली, मेरी बात समझ में आई सबको। एक विमीय गति, जैसे कि ये हमारा पास एक कॉपी आपकी बुक है, ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे पेज है, एक पेज ये है, देखिएगा एक लंबाई है इसमें, एक चौड़ाई है, एक लंबाई एक चौड़ाई इस पेज में, इसमें भी एक लंबाई एक चौड़ाई, एक्स वाई पाई, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारे जो पेज हैं, सब सारे अलग अलग पेज को अगर हम देखें तो ये द्विविमीय है, पृष्ठ कहेंगे जिसे, आयतन में आपको पता ही है जिसमें त्रिविमीय लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक्स वाई जेड, जैसे कि एक कमरा होता है आपका जो घनाभ होता है या घन होता है, उसमें एक लंबाई भी होती है, एक चौड़ाई होती है, उसी में एक हमारे पास ऊंचाई होती है एक्स वाई जेड, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण के बारे में करते हैं, अगर हमारे पास एक विमीय वस्तु है और उस पर हमारा आवेश एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, या प्लस हो या फिर माइनस हो, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, एक समान रूप से वितरित है, तो ऐसे वितरण को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। यदि कोई आवेश, जल्दी से लिखेंगे आप, यदि कोई आवेश किसी रेखीय वस्तु पर अर्थात एक विमीय वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो, तो आवेशों के इस वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है, ठीक है, ठीक हो गया। रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत हम एक बात और पढ़ेंगे,
देखिए धरा, देखिए ठीक हो गया, देखिए आवेश घन, देखिए आवेश घन, आवेश घनत्व, देखिएगा बच्चों, देखिए आवेश घनत्व क्या चीज है। अब मैंने बात की थी इस तार की, इस तार की कुछ लंबाई होगी अपनी, मान लेते हैं इसकी लंबाई है 5 मीटर, ठीक है। इस पूरे की पूरी यहाँ से ए बी जो है हमारी तार है, इस तार में 5 मीटर लंबाई है, इस 5 मीटर पर मान लेते हैं हमारा कुल आवेश बचा, हमारा 20 कूलम आवेश यहाँ सही रूप समान रूप से हर जगह फैला है, मतलब जितना ही फैला होगा 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है। अब ये छोटे छोटे उससे बना 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 ऐसा करते करते 5 मीटर 8 टुकड़े होंगे 1-1 मीटर के, ठीक है। मैंने इसके करें बराबर बराबर 1-1 मीटर के 5 टुकड़े कर दिए, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने कहा इस पूरे 5 मीटर पे हमारे कितना आवेश है, 20 कूलम आवेश है, तो बताइए 1 मीटर आवेश, 1 मीटर लंबाई को पकड़िया मैंने इस टुकड़े को, इस पर कितना आवेश है, तो वही आवेश 1 मीटर, 1 मीटर के तार पर जो आवेश हमारा वितरित होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। एकांक लंबाई में या 1 मीटर का हो या एकांक में, देखिएगा 5 टॉफी आपकी 20 रुपये की आ रही है, या 5 मीटर लंबाई में 20 कूलम आवेश है, तो 1 मीटर लंबाई या 1 टॉफी कितनी की होगी, 4 रुपये की होगी, कैसे आया था ऐसे देखा 5×4=20 इतना कूलम पर मीटर, ठीक है। तो यही क्वांटिटी हमारी क्या है, आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो आप लिखेंगे जल्दी से, किसी एक विमीय तार या वस्तु की एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। बहुत आप बात करते हैं हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व की, क्षेत्रीय बोल दीजिए आप, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक हो गया, लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश वितरण की बात करो वही लिखना है आपने। यदि कोई आवेश किसी द्विविमीय वस्तु या किसी द्विविमीय वस्तु या किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। एक हमने प्लेन ले लिया, देखिएगा ये जो व्हाइट बोर्ड है मेरा ये कैसा है, ये भी हमारा द्विविमीय, क्यों, क्योंकि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। और द्विविमीय वस्तु, द्विविमीय जो भी वस्तु होगी उस पर हम कैसा वो बना सकते हैं, केवल जो शेप बनेंगे वो भी हम केवल द्विविमीय आकृति है ही बना सकते हैं। देखा होगा हमने यहाँ पे हम बॉल नहीं बना सकते, हम वृत्त बना सकते हैं क्योंकि वृत्त एक द्विविमीय है, लेकिन हम बॉल नहीं बना सकते, मीन्स गोला नहीं बना सकते, क्योंकि गोला थोड़ा सा ठोस होता है, जो बॉल होती है हमारी वो उसको यहाँ पर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, बट इट इज टू डायमेंशनल शेप जो बैठे, ठीक है। फिर भी हम अपने आइडिया के लिए बना लेते हैं ना, वी आर सो टैलेंटेड। देखिएगा रेखीय आवेश, हाँ सॉरी, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें, एक मिनट अपने रेखीय आवेश घनत्व पे जाइए, थोड़ा सा रेखीय आवेश घनत्व पर जाएंगे जल्दी से, ठीक है। क्या लिखाया था मैंने उसमें जल्दी से देखेंगे, किसी एक विमीय वस्तु के एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। दर्शाते किससे रेखीय आवेश घनत्व को, लैम्डा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल टू हमारे पास होता है कितना आवेश है, टोटल आवेश और उस तार की लंबाई, ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, ठीक है। इसका जल्दी से आप मात्रक लिखेंगे, पहले मात्रक होगा इसका, देखो कूलम, कूलम लंबाई क्या होगी, मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, ठीक है। विमा की बात कर लें डायमेंशन की, तो ये कूलम का होता है हमारा 80, इसका होता है हमारा एल माइनस, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है बच्चों एल को आगे लिया जाता है, ठीक है, एल माइनस 180 ऐसा कर देते हैं, तो घबराइएगा नहीं, अपने अकॉर्डिंग ये भी सही है ये भी सही है, मार्क्स दोनों में मिलेगा आपको। पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ लिया हमने, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें, पृष्ठ आवेश, आवेश घनत्व, तो ये भी बच्चों ऐसे ही होगा कुछ, देखिए ये हमारा क्षेत्रफल है, कुछ
कुछ आवेश, कुछ हमारा क्षेत्रफल होगा इसका ए, ठीक है, और इस ए आवेश सॉरी इस ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर टोटल आवेश जो है हमारा मान लेते कितना है, वो कितना है क्यू, ए इसका टोटल क्षेत्रफल है और ये इसका आवेश है, तो जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। डिनोट करते हैं हम इसको, किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाएंगे, सिग्मा लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश कुल आवेश बट्टे में क्षेत्र, ठीक है, जल्दी से नोट कर दी, लिखा दिया है मैंने जो उसी को बोला था जो मैंने अभी उसको लिखेंगे आप। मात्रक देखिए जल्दी से इसका, मात्रक होगा गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, गुलाम इसका मीटर स्क्वायर, गुलाम की होती है 80, मीटर की होती है L माइनस 2। जल्दी से नोट कीजिए फॉर्मूला, फिर बात करते हैं आयतन आवेश वितरण की, आयतन आवेश वितरण की। जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, आयतन आवेश वितरण बिल्कुल वही, कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है, त्रिविमीय गति या त्रिविमीय वस्तु हो हमारे पास, जैसे कि कोई हमारे पास घनाभ है या कोई घन है, कमरा होता है जैसे, या माचिस की डिब्बी, ठीक है, लंबाई भी होती है एक्स एक्सिस, चौड़ाई भी होती है वाई एक्सिस, और एक हमारे पास ऊंचाई भी होती है जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर हमारी इस त्रिविमीय वस्तु में आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तो ऐसे हम क्या बोलते, ऐसे वितरण को क्या बोलते हैं बच्चों, आयतन आवेश वितरण, ठीक है, आवेश का आयतन वितरण या आयतन आवेश वितरण, ठीक हो गया। तो लिख लेंगे, यदि किसी त्रिविमीय वस्तु में आवेश एक समान रूप से उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, तो आवेशों के ऐसे वितरण को आयतन आवेश वितरण कहा जाता है, इसे रो से आयतन आवेश वितरण कहा जाता है, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व की बात कर ले, आयतन आवेश घनत्व तो ये क्या होता है, सेम क्या, एकांक लंबाई में क्या था, रेखीय आवेश घनत्व क्या था, एकांक लंबाई में वितरित आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व में क्या था, एकांक पृष्ठ पर या एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व। आयतन की बात करेंगे तो एकांक, एकांक आयतन में वितरित आवेश हमारा क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, दर्शाते हैं इसको हम रो से, ठीक है। अगर हमारे पास वी आयतन है उसका टोटल जो वॉल्यूम है, इसमें पूरे वी आयतन में हमारा कितना आवेश वितरित है, क्यू, तो एकांक में एक टॉफी कितने की, क्यू अपॉन वी, आगे बात समझ में, ठीक है। आयतन आवेश क्यू अपॉन वी, मात्रक की बात करेंगे तो मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है, घन, इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3, 80 एल माइनस 3, तो जल्दी से छाप लेंगे उसे, छापने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी, हाँ, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे हम टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।